स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो सिलेबस है 2023 सेशन का, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें हम सबसे पहले चैप्टर्स मार्क्स कर लेंगे एंड देन पूरे चैप्टर में जितने भी आपका पूरा 80, आपको पता है एनुअल एग्ज़ाम होगा इस बार आपका, इस बार टर्म वाइज नहीं होगा कि आधे चैप्टर टर्म वन में पढ़ने आधे चैप्टर टर्म टू में, ऐसा नहीं होगा। आपको सारे चैप्टर एक ही बार में पढ़ने हैं पूरे साल में एंड लास्ट में उस सारे चैप्टर का आपको एग्ज़ाम देना है। बीच में भी एग्ज़ाम होंगे बट उसके मार्क्स नहीं लगेंगे आपके। तो कैसे रीडिंग स्किल के आपको 40 पीरियड्स यानी आपको 40 दिनों तक रीडिंग स्किल्स तो पढ़नी है, 40 पीरियड राइटिंग स्किल और ग्रामर के और बुक्स के 50 पीरियड्स। तो सेक्शन ये सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको रीडिंग्स पैसेज आएगा, एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा 400 से 450 वर्ड्स का जो कि 10 मार्क्स का हुआ। केस बेस्ड पैसेज आएगा, ये दोनों मिला के यानी दो पैसेज होंगे, एक ये 5-5 मार्क्स के, तो ये 10 मार्क्स हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ दोनों पैसेज की टोटल लेंथ 600 से 700 वर्ड्स होगी। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एनालाइज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवैल्यूएशन वोकैबुलरी ऐसे बेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन इसके होंगे, 10 क्वेश्चन इसके, टोटल ये रीडिंग पैसेज आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। सेक्शन बी देखते हैं ग्रामर का। सेक्शन बी ग्रामर का आएगा जिसमें आपकी टेंस, मोडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ट और रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स, ये सब आ सकता है। ये एकदम सेकेंडरी लेवल पे होगा। 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 10 इसमें से करने हैं। गैप फिलिंग और एरर एंड करेक्शन ये सब आ सकता है आपका, ये आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। फिर इसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी आ जाएगी क्योंकि ग्रामर एंड राइटिंग दोनों हैं, वो 10 मार्क्स की होगी। आपको सेक्शन को क्या करना है, सबसे पहले एक पैराग्राफ राइटिंग होगी जिसकी 100 से 120 वर्ड्स लिमिट है जो कि 5 मार्क्स का आएगा। फिर या तो आपको डायरी एंट्री लिखनी होगी या तो स्टोरी लिखनी होगी, दोनों में से कोई एक लिखना होगा 100 से 120 वर्ड्स में, ये भी 5 मार्क्स की। टोटल 10 मार्क्स हो गया, ग्रामर 10 मार्क्स की, राइटिंग स्किल 10 मार्क्स की, तो 20 मार्क्स की हमारा सेक्शन बी भी कम्प्लीट। सेक्शन सी हमारा प्रॉज में से होगा, वन एक्सट्रैक्ट यानी एक एक्सट्रैक्ट आपको प्रॉज यानी चैप्टर्स में से दिया जाएगा, एक एक्सट्रैक्ट आपको पोएम में से दिया जाएगा और ये आपका दोनों 5-5 मार्क्स में दिया जाएगा, 10 मार्क्स का हो जाएगा। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन इसमें पैरा को देख के पूछ सकते हैं। फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप, 3 out of 4 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उनमें से 3 करने हैं, 3 मार्क्स के ही होंगे और ये 40 से 50 वर्ड्स में करना होगा, बिहाइव के बुक में से आएंगे ये क्वेश्चंस। फिर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, आएंगे 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 करने हैं 40 से 50 वर्ड्स में, ये मोमेंट्स के क्वेश्चन होंगे। तो फिर है आपका 1 out of लॉन्ग आंसर टाइप, अब बिहाइव के बुक से ही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन मूवमेंट से आएगा लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 6 मार्क्स का होगा। मूवमेंट्स और बिहाइव दोनों से एक एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप और 2 क्वेश्चन मूवमेंट से शॉर्ट टाइप एंड 3 क्वेश्चन बिहाइव से शॉर्ट टाइप आएंगे। अब चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बिहाइव, बिहाइव में जो चैप्टर्स हैं वो द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माय चाइल्डहुड, रिच फॉर द टैप, काठमांडू एंड इफ आई वर यू, ये सारे चैप्टर आपके बिहाइव की बुक में से आएंगे पूरे एनुअल सेशन में लास्ट के एग्जाम में। पोएम्स आएगी द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक इजले ऑफ इनिसफ्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड, नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल, ये सारी पोएम्स आपकी आ जाएंगी पूरे एग्जाम में। एंड वुमेंस के चैप्टर आएंगे द लव स्टाइल, एडवेंचर ऑफ टोटो, इज रान द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बेगर, ये चैप्टर आपके मूवमेंट्स आएंगे पूरे एनुअल एग्जाम में। तो ये चैप्टर आप मार्क कर लीजिए पूरा अच्छे से, हमने पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर्स मार्क कर लीजिए कैसा, और स्टोरी राइटिंग ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और पूरे आपके पास सिलेबस आपके हाथों में, आपके पास पूरा साल है, अच्छे से पढ़िए हर सब्जेक्ट को एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी मेरे चैनल पे सिलेबस पूरे अपलोड हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।